तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम अपने विला में आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ से देख सकते हैं मेरा विला, यह मेरा विला वाला हाउस है दोस्तों। बहुत ही शानदार और बहुत ही बड़ा घर है। इसे मैंने कुछ समय पहले ख़रीदा था। आय हाय। तो दोस्तों मैं यहाँ से कल ही, मेरे मालिक का कॉल आया था, सॉरी मतलब कस्टमर का कॉल आया था। उसने मुझे बोला कि यहाँ एक बैंक रॉबरी करनी है, अच्छा खासा माल मिलेगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, हाँ आपका काम कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज मेरा बैंक रॉबरी वाला डे है, तो मैं आज चलता हूँ वहाँ। मैं देख लेता हूँ यहाँ कौन से बैंक में रॉबरी करना है। मैं गैराज से अपनी कार निकाल लेता हूँ, जितने भी है मेरे पास अच्छी सी स्पीड वाली कार, नहीं क्योंकि बैंक रॉबरी करना है दोस्तों और चोरी करना है तो क्या बोलते हैं, बहुत जोखिम वाला काम है यहाँ से निकलना। तो ठीक है, फिर मैं यहाँ गैरेज से अपनी कार निकाल लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं गैरेज जाता हूँ अपने यहाँ नीचे। तो दोस्तों मेरे लिए मिशन में जाने के लिए यह बहुत ही बेस्ट गाड़ी है, तो मैं इसे अपना निकाल लेता हूँ अभी। तो मेरी मर्सिडीज़ की एक DI गाड़ी कार है। चलिए इसी में चलते हैं, मैं लोकेशन देख लेता हूँ यहाँ से कहाँ चलना है मुझे। ठीक है, अभी इसके बाद निकलते हैं अपन यहाँ से लोकेशन। दोस्तों मैंने उसे मार कर दिया अपने मैप में, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। वहाँ मैप में देख सकते हैं जो रेड कलर का जो निशान दिख रहा है वही है। यहाँ से मैं अपना गाड़ी निकाल लेता हूँ। देख सकते हैं मेरा विला, अभी मैंने इसे कल ही हाल ही में ख़रीदा था। मैं यहाँ से अपनी कार निकाल लेता हूँ, यहाँ से निकलते हैं। और फिर थोड़ा घुमावदार मोड़ है दोस्तों, फिर भी अपन यहाँ से निकालते हैं। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ से नीचे से मैं निकालता हूँ और निकलते हैं अपन दोस्तों। अपन जल्दी से वहाँ जाने का कोशिश करते हैं। वहाँ बोल रहे थे कि वहाँ काफ़ी तगड़ी सिक्योरिटी रहती है, तो हमने ही बोल दिया अपन भी वहाँ से निकाल लेंगे जो भी है। वहाँ पुलिस जमावड़ा रहता है, तो मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोशिश करेंगे कि हम अपने बैंक रॉबरी को एकदम सक्सेसफुल तरीके से निपटा दें। तो मैं तब तक नहीं निकलता हूँ, मैं सिग्नल तोड़ दिया है फिलहाल, तो मैं कोई सिग्नल मारता नहीं, तो इसलिए मैं भगाते जा रहा हूँ कहीं से भी। फिलहाल मैं भगाते हुए जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश करता हूँ। बैंक में जाना है मुझे भी दोस्तों, बैंक में जाने से पहले मुझे अपना फेस बदल के जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस गेटअप पे वहीं और देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। चलिए चलता हूँ, बस मैंने यहाँ मार कर दिया। देख सकते हैं बैंक का ये पूरा एरिया है, यहाँ अंदर से नीचे से जाके आप अंडरग्राउंड यहाँ से जा सकते हैं। दोस्तों मैं गाड़ी को ही कहीं पार कर देता हूँ, उसके बाद मैं अंदर जाता हूँ, मैं भेज बदल लेता हूँ, कार के अंदर से ही भेज बदल के निकलता हूँ दोस्तों मुझे थोड़ा भेज बदलना पड़ेगा, वापस जाता हूँ कार के अंदर। दोस्तों मैंने अपना भेज बदल ली, देख मैं किसी भी तरीके से पहचान नहीं आ रहा हूँ। तो मैं यहाँ से बैंक में जाता हूँ, एंट्री मारता हूँ और फिर यहाँ से चोरी करके निकलता हूँ। दोस्तों जल्दी से निकलना पड़ेगा, देख सकते हो मुझे एकदम सावधानी से जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ से चोरी करके बैग बैग भर पूरे कैश जोड़ के निकल लिए हैं। तो मैं यहाँ से जल्दी से अपने गाड़ी पहुँचने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर पुलिस केस क्यों किया हो गया है, बहुत ही चार केस चढ़ गए। मैं जल्दी से निकालने की कोशिश करता हूँ, अपनी जीप निकाल लेता हूँ। देख सकते हैं किस तरीके से, तो एक गाड़ी पंचर, एक टायर को पंचर कर दिया उन्होंने। मुझे इसे इसकी डिलीवरी लेने वाले व्यक्ति ने फ़ोन किया था, बोला कि अभी थोड़ा सा शहर में घुमाओ। मैं बोला भाई कितने ही घुमाऊँगा, तुम कहाँ मिलोगे? तो उन्होंने बोला कि बर्गर शॉप में मिलूँगा दोस्त भाई करके। तो मैं बोला चलो ठीक है, मैं तब तक थोड़ा सा घुमा के आता हूँ, वो भी वहाँ पहुँच जाएगा। वैसे पुलिस वालों को छकाना कोई मेरे लिए बाएँ हाथ का खेल है, मैं फिलहाल यहीं आस पास ही छकाता हूँ। तब तक के लिए मैं गाड़ी अपनी चेंज कर लेता हूँ यहाँ से जाके। देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी चल रही है, मेरी पूरी आउट ऑफ कंट्रोल है दोस्तों मेरी मर्सिडीज की जीप। दोस्तों फिलहाल मैं अपने पीछे वाले घर पे आ गया हूँ, मैं यहाँ से अपना अपनी एक कार निकाल लेता हूँ। दोस्तों मुझे काम आया था, गुस्से में भरते हैं यहाँ जाता हूँ, ये लोग कहीं से रिपोर्ट वोट कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से भगाता हूँ दोस्तों, फिर भी भगाने की कोशिश करते हैं अपन यहाँ से। जल्दी से निकल जाएंगे तो अच्छी की बात है, क्योंकि गाड़ी की हालत आप देख ही रहे हैं, पूरी झाप हो चुकी है। यहाँ से मैं अपनी गाड़ी जल्दी चेंज करके आता हूँ, पूरे पुलिस वालों के पीछे पीछे पड़ चुके हैं, कहीं भी मेरे गिरफ्तार कर सकते हैं।
सॉरी यहाँ तो मेरी थार अवेलेबल नहीं, तो मैं अपनी BMW कार ही उठा लेता हूँ। तो देख सकते क्या फंकती है ये गाड़ी। जब तो मुझे जल्दी से कॉल आया था, वहाँ दरगाह शॉप पहुँच चुका है, तो जल्दी पहुँचना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से कैसे भी करके निकलने की कोशिश करता हूँ और मैं जल्दी से जल्दी फंसाता हूँ यहाँ से। ये गाड़ी को चलाने का मज़े कुछ और है, उसमें पुलिस वालों को छटाते हुए यहाँ से निकल रहा हूँ। यहाँ से बहुत ही बर्गर शॉप में ही है वह आदमी, मैं बर्गर शॉप से डिग्री भी दे के आता हूँ। पुलिस वालों को छटाते छटाते पूरी गाड़ी की तरह वो आ गई है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से जल्दी से निकल जाऊँ, सिटी में जाना पड़ेगा। यहाँ पुलिस वाले लोग जहाँ देखो वहाँ मुझे दौड़ा रहे हैं दोस्त। पूरे 2 करोड़ की चोरी की है दोस्तों मैंने, तो फिर भी मैंने भगा रहा हूँ यहाँ से। देख सकते हैं इतना स्पीड से जो भी सामने आ गया तो खत्म हो गए। तो दोस्तों मेरे सबसे बेहतरीन और ड्यूरेबल कार में से एक है दोस्तों यहाँ से। बर्गर शॉप चलते हैं अपने यहाँ से। क्या दोस्तों बर्गर शॉप कौन से वाले में वही देखना पड़ेगा। बर्गर शॉप इधर है दोस्तों। फिर भी मैंने जैसे तैसे दो चार लोग जवासी कर दी गाड़ी से रेस लेट की। फिर भी बहुत बड़े बड़े ट्रक मेरे पीछे किए जा रहे थे दोस्तों। फिलहाल मेरी गाड़ी कोई टायर पंचर नहीं, गाड़ी टायर पंचर था तो चलाने में मज़ा नहीं आ रहा दोस्तों। गाड़ी भगती भी नहीं है। यहाँ पर भी देख सकते हैं मैं गोली चलाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। हाँ बताओ यहाँ से जल्दी से बर्गर शॉप जाऊँगा, क्योंकि जिंदा जाना है मुझे। पूरी शहरों में मुझे पूरा हैरी कर दोस्तों, जहाँ से चाहें वहाँ से गोली चला रहे हैं। वापस मैं अपने एरिया में आ गया। देख सकते हैं किस तरीके से मुझे रोक लिया दोस्तों। मेरा केस अरे दोस्तों वहाँ से फिलहाल दोस्तों मैं तो उनके चंगुल से फंस गया। देख सकते हैं मैं किस तरीके से इमारत में कूद कूद के भाग रहा हूँ दोस्तों। यहाँ से मुझे भागने का रास्ता मिल गया है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से छत पे मैं चढ़ा हुआ हूँ दोस्तों। यहाँ से भागना ही पड़ेगा, मुझे पुलिस वालों देख लिया पूरा दोस्तों। मैं क्या करूँ फिर यहाँ से, मुझे यहाँ से उतरने का रास्ता दिख गया तो मैं यहीं से निकलने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल दोस्तों मैं कैसे भी यहाँ से निकल गया हूँ, तो यहाँ से मैं जल्दी गाड़ी लेता हूँ। यहाँ से भागना पड़ेगा मुझे, पुलिस वाले लोग ने देख लिया है। मैंने कैसे भी यहाँ थाने से छुपके से भागने की कोशिश की दोस्तों। मुझे थाना ले जाया गया था, मैंने अपनी डिलीवरी अभी तक नहीं दी है, तो इसलिए मुझे तो अपना काम करना ही पड़ेगा ना। तो मैं फिर यहाँ से निकल गया। मैं यहाँ गलत रास्ते ले ली लगते हैं, तो जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश करूँगा। फिर मैं यहाँ से जल्दी से भागने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, क्योंकि सामने से बहुत पुलिस वालों को घेर ली है, बहुत ही फास्ट निकाल दी है मैंने। मुझे निकलना है जल्दी से, बर्गर शॉप पर वेट कर रहा है जो डिलीवरी लेने के लिए आया है। यहाँ से जल्दी से निकल के उसकी डिलीवरी दे दूँगा यहाँ से जल्दी ही, फिर मेरा भी काम हो जाएगा दोस्तों। फिलहाल मुझे जाना है, मैं देख लेता हूँ यहाँ से दोस्तों। मुझे उसको कॉल आया था जल्दी आप ला रहे हैं, नहीं तो मेरे चोरी के पैसे वह नहीं देंगे, किसी काम करने के पैसे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो काम होता है उसको उसका पैसा तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा पेट कैसे खुलेगा। तो कैसे भी यहाँ से भाग रहा हूँ, गोली चलाते हुए चारों तरफ से पुलिस वालों को घेर ली है। फिर भी मैं भागा रहा हूँ गाड़ी यहाँ से, जल्दी से पहुँच जाऊँ वहाँ। देख सकते किस तरीके से कार उछल रही है, कूद रही है, लेकिन फिलहाल मुझे कैसे भी इसकी डिलीवरी देना है दोस्तों। तो मैं यहाँ निकलता हूँ जल्दी से, मैं जल्दी से इसका देख के आता हूँ यहाँ पर, नहीं तो मेरी धनिया वो आ जाएगा दोस्तों। मैं अंदर जाता हूँ, मैं यहाँ खोज रहा हूँ कि कहाँ पर है वो, देखिए यहाँ पर बैठा हुआ है। तो मैं जस्ट उसके पास मिलता हूँ, उसे पैसा देता हूँ। सर आपका पैसा, आपका जो भी काम था मैंने आपको कर दिया है, तो आप मेरा पेमेंट कर दीजिए सर। मैंने आपके बैग मैं अपने चोरी की पैसे आपके पास ला के दे दिए हैं दोस्तों। मैंने इसे जो भी रहता सब चीज़ दे दिया, तो बस मैं यहाँ से थोड़ा सा एक बर्गर खा के निकलता हूँ दोस्तों। भूख तो मुझे भी लगती ना, अपन भी तो इंसान है। तो दोस्तों दबा के मैं निकल चुका हूँ यहाँ से, निकलता हूँ दोस्तों यहाँ से। अब पुलिस वाले, क्योंकि बाहर तो
केस अभी भी कम नहीं है तो बाहर तो पुलिस वाले होंगे, तो मैं अपना AK-47 निकाल लेता हूँ यहाँ से। दोस्तों फ़िलहाल मेरा केस तो हो गई, तो मैं यहाँ से अपने AK-47, अब मैं सोचा हूँ कि पुलिस केस होंगे तो मैं बाहर से अपने दोस्तों को ही बुला लूँगा जो कि मेरा थोड़ा सा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों फ़िलहाल तो मैं दोस्तों मैं यहाँ से अपनी कार लेके अपने चार दोस्तों को लेने जा रहा हूँ, क्योंकि वही है जो मेरी हेल्प करेंगे दोस्तों। तो हम चारों मिलकर पुलिस का सामना करेंगे यहाँ से। मैं फ़िलहाल अपने दोस्तों को लेने के लिए जा रहा हूँ, तो यहीं पर बोले थे कि आ जाएंगे, मैं जाता हूँ लेके आता हूँ। फिलहाल पुलिस का केस बढ़ा था इधर, तो मैं यहाँ से अपने दोस्तों को उठा लेता हूँ। यहीं रहते हैं वो इतने बड़े अपार्टमेंट में, यहाँ से ले लेता हूँ उन्हें। दोस्तों फ़िलहाल मेरे दोस्त आ चुके हैं, यहाँ पुलिस वाले भी आ चुके हैं, तो वह मेरी मदद करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं पुलिस केस बढ़ गया, तो मैं जल्दी से उन्हें कार में बैठाता हूँ, क्योंकि वो रहेंगे तो थोड़ी सी मेरी हेल्प हो जाएगी। तो सब हम सभी बैठ चुके हैं, तो मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, क्योंकि पुलिस का केस हो चुका है दोस्तों। पुलिस वाले हमारे पीछा कर रहे हैं, मैं बोला अकेले में मैं निपट सकता हूँ, तो मैं बोला उनकी हेल्प लेता हूँ थोड़ी सी। दोस्तों यहाँ से मैं सभी को ले कर निकल रहा हूँ यहाँ से, देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस वाले बहुत पीछा कर रहे हैं दोस्तों, भी देख सकते हैं किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा फायरिंग हो रही है। तो मैं अपन यहीं दौड़ाते हैं, देख सकते हैं पुलिस वालों का भीड़ लगी हुई है यहाँ। तो अपन जल्दी से यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, केस कम करके यहाँ से टपा होने की कोशिश करते हैं दोस्तों। फिलहाल हमें पुलिस जितने भी आएंगे उन्हें टपकाना ही पड़ेगा, तो मैं कुछ खाली रास्ते में ले चलता हूँ इन्हें, जहाँ मैं उनके सबको मार सकूँ। देख सकते किस तरीके से खाई में गिरते गिरते बचे हम लोग सभी, ये जगह सही रहेगी, यहाँ से मुझे सभी को मारने में आसानी हो। तो मैं यहाँ अपनी गाड़ी पार कर देता हूँ, यहीं से ही निपटाता हूँ सब। तो मैं और मेरे सभी साथी अपनी के गन लेके यहाँ रेडी हो गए सब पुलिस वाले को टपकाने के लिए। यहाँ पर जितने पुलिस वाले आए थे सबको मैंने करके टपकाया, यहाँ से दूर दूर के देख रहे हैं। पुलिस वालों पर भेड़ चुके हैं हमारे यहाँ, मुझे हमारे साथियों को, तो फिर भी यहाँ से वह लोग मेरी थोड़ी हेल्प करेंगे, तो मैं उन्हें लेके आया था। तो फिलहाल मेरा केस बढ़ते ही जा रहा, तो मैं यहाँ का माहौल देखते हैं, यहाँ से निकलना ही मुझे उचित लगा। तो मैं सभी को बोला अपने गाड़ी बैठने के, बोले तो सभी रेडी हो गए, चलो 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 यार चलो यहाँ चलते हैं। भाई 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 भाई, भाई जल्दी आओ जल्दी आओ, ये भाई समझ नहीं रहे यहाँ कि चोरी की है, ऊपर से दौड़ा रहे हैं मेरे भाई आराम से। अपन यहाँ से नीचे से कूद के निकलने कोशिश करते हैं। फिलहाल दोस्तों मैंने अंडरग्राउंड होने का फैसला कर लिया है यहाँ से, मैं यहाँ से जाऊँगा तो मुझे कोई देखेगा भी नहीं। तो दोस्तों मैं यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत ही स्पीड से। दोस्तों मुझे फिलहाल यहीं छूटना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे पुलिस के सामने आना है दोस्तों। देख सकते किस तरीके से पूरी स्पेशल फोर्स मेरी पीछा कर रही है, बहुत ही पूरा स्थिति आ गया दोस्तों, हमें कैसे करें कैसे करें ऐसी स्थिति। दोस्तों यहाँ पर पूरी बहुत से तरीके से दौड़ा रहे हैं हमें, तो हमें यहाँ से भागने के लिए और कोई चारा नहीं है। देख सकते हैं किस तरीके से पूरी हमारे पीछे पड़ी हुई है, मैं यहाँ अपनी गाड़ी थोड़ी और भगाता हूँ। देख सकते किस तरीके से नाकेबंदी को तोड़ते हुए तो निकल रहे हैं, फिर भी यहाँ बहुत ज़्यादा ही तय बहुत ज़्यादा गोलीबारी हुई दोस्तों। फिर यहाँ देख सकते किस तरीके से छल कूद हो रही है, मुझे और मेरे चारों दोस्तों को सॉरी तीनों दोस्तों को निकलना ही था यहाँ से, वैसे भी जान बचा कर हमने सोचा है कि हम अपने बीला में जाके छुपेंगे आज, वहीं से लड़ेंगे नाइट में, क्योंकि यहाँ से निकलना तो खतरों से खाली नहीं है दोस्तों। तो फिलहाल हम अपने बीला में जा रहे हैं यहाँ से। दोस्तों हमें जल्दी से उनके नज़र में नहीं रहेंगे, तो हमारे क्योंकि मैं यहाँ से गायब होना पड़ेगा यहाँ से कैसे भी करके। तो मैं और मेरे दोस्तों भी बहुत रंग चढ़ाने कोशिश करते हैं, यहाँ बीच वाला रास्ता आ गया दोस्तों, देख सकते हैं बीच में बाजार है किस तरीके से, गाड़ी कहीं भी पानी में ना गिरे इसका ध्यान रखना पड़ेगा मुझे, पानी में गिरे तो हम सब गए दोस्तों, क्योंकि हम
पास ना बोट है ना कुछ है, फिर भी मेरे दोस्त मेरे थोड़ा बहुत हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर। गाड़ी पलटते पलटते बाद ये दोस्त पुलिस वाले हमें यहाँ भी दौड़ा रहे हैं, फिर भी हम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, भरपूर प्रयास कर रहे हैं यहाँ से। ये हाल दोस्तों मैं सामने जाके यहाँ सीखने की कोशिश करूँगा ताकि मैं उनको पकड़ में ना आऊँ। इस तरीके से मैंने छत दोस्तों मैं और मेरे दोस्तों ने छत चढ़ा दी गई है यहाँ से, तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ दोस्तों मैं यहाँ से तोप लेके उन लोगों को भगाने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हैं मैंने अपना तोप निकाल लिया है, एक भी हेलीकॉप्टर नहीं दिख रहा है। यहाँ से दोस्तों सभी चले गए हैं तो अब मुझे डरने कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, तो मिशन कामयाब हो चुका है हमारा। देख सकते हैं दोस्तों तो हमारा मिशन कामयाब हो चुका है, मेरे दोस्त भी बोल दी गए कि चलो चले जा करके। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें। अब मुझे मेरे पैसे मिल चुके हैं, तब तक के लिए बाय।